हरे कृष्णा फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन इन माय चैनल वृंदावन कुंज गली। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज जो आप सोसाइटी देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये हमारी रुक्मणी विहार के अंदर आती है और यहाँ पे हमारे पास आया है 1 BHK ग्राउंड फ्लोर फ्लैट विथ फर्निश। जो भी सामान आपको दिखाई देगा वो आपको इस फ्लैट के अंदर मिलेगा। सबसे पहले हम सोसाइटी की लोकेशन की बात कर रहे हैं। जो सोसाइटी के आप लोकेशन देख रहे हैं, ये मेन प्राइम लोकेशन है वृंदावन की, जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सारी सोसाइटी कवर्ड है। सारा फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं, मोस्ट ऑफ लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया से यहाँ पे रहने आए हैं और मोस्ट ऑफ लोग अपना फ्लैट लेके यहाँ पे रह रहे हैं। वृंदावन की सबसे प्राइम लोकेटेड सोसाइटी जो रुक्मणी विहार कहलाती है, उसके अंदर ये सोसाइटी आती है, जहाँ पर हमारा 1 BHK ग्राउंड फ्लोर फ्लैट अवेलेबल है। उसकी यूनिट पूरी डिटेल में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पहुँचने से पहले, फ्लैट पे जाने से पहले, हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। तो जो लोग इस्कॉन डिवोटीज हैं, जिन्हें इस्कॉन में डेली जाना होता है, तो एक इस्कॉन का मंदिर इस रुक्मणी विहार के अंदर भी बन रहा है। तो आप साइड से जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो आने वाली है, इस बिल्डिंग के अंतर्गत इस्कॉन का मंदिर है। यानी कि ये बिल्डिंग ही सामने वाली जो आपको दिखाई दे रही है 2 मंजिल, ये इस्कॉन टेम्पल बनने जा रहा है। तो मंगला आरती आप यहाँ भी सुबह की अपनी कर सकते हैं, ये जल्द ही यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। पूरा एरिया ये MVD अप्रूवल है, पॉश एरिया है, 50 से 100 फुट की चौड़ी सड़कें हैं और सड़कें बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्लेन रोड है, कोई गड्ढा कोई किसी तरह का दिक्कत वाली रोड नहीं है। तो प्राइम लोकेशन पर है ये, और आप देख रहे हैं कि वृंदावन की जो मेन एंट्रेंस लोकेशन आती है वो रुक्मणी विहार ही कहलाती है, रुक्मणी विहार ही है। इसके अंतर्गत हम आपको 1 BHK की यूनिट लेके आए हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस में है। प्राइस जानने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, उस नंबर पे इमीडिएटली आप हमें व्हाट्सअप करके अपने इस फ्लैट की प्राइस को जान सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल आपके लिए डिमांडेड लोकेशन पे प्रॉपर्टी लाने का। तो हालांकि प्रॉपर्टी की अगर बात करें, उसकी पूरी डिटेलिंग हम आपको देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे इसी में आ रही है, इसी से कंटिन्यू है, वो हमारे सोसाइटी फ्लैट के एंट्रेंस की है, जो हम आपको अभी आगे दिखा रहे हैं। तो ये हमारा सोसाइटी का एंट्रेंस आ चुका है। ये पूरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर एरिया है। बिल्कुल भी जो व्यक्ति बुज़ुर्ग हैं, जिनके सीढ़ियाँ चढ़ने में जिनको दिक्कत है, परेशानी है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात है, फ्लैट का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेट 650 स्क्वायर फिट के आसपास है और नीट एंड क्लीन एरिया है। और इस सोसाइटी में आपका गैस पाइपलाइन वगैरह सब अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन है जो कि हमारे ऑलरेडी फ्लैट में फिटेड है। सोसाइटी फ्लैट का जो एंट्रेंस है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्लैट के एंट्रेंस में हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अगर हम इसके एंट्रेंस पे बात करें, तो लगभग इसका जो एरिया है, इसका ड्राइंग रूम का, वो काफ़ी स्पेशियस एरिया है। आप देख ही रहे हैं, इस फ्लैट के अंतर्गत आपको कोई भी चीज़ अगर जो दिखाई देगी, वो अभी अंडर रेनोवेशन है। सारी चीज़ हम इसमें नई करके देंगे, नई इन द सेंस कि सब जो चीज़ ख़राब है उसको रिपेयर करके देंगे। और पूरा आपको फर्निश विद सामान, जो सामान आपको एज इट इज़ दिख रहा है, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलेगा। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, किचन का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एरी किचन है। किचन के अंदर भी काम चल रहा है, पूरा मॉड्यूलर किचन हम बना के दे रहे हैं। अभी जो हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, ये हम आप ओवरऑल हमारे हॉल का व्यू है। हॉल भी काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा नहीं, और इवन जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी स्पेशियस। सबसे पहले हम चलते हैं किचन के अंदर। हालांकि अभी जो हमारा काम है वो अंडर रेनोवेशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टैप्स वगैरह, जो टोंटियाँ लगी हुई हैं वो भी चेंज होनी है। मतलब सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। जैसे वुडन वर्क है, वुडन वर्क पे पेंट का काम चल रहा है, क्योंकि जो किराएदार रहते थे, जो हमने टेनेंट को दिया हुआ था, तो उन्होंने जितना यूज़ किया उसके बाद तो आपको बताइए, किराए के देने पे हालत ख़राब हो ही जाती है बिल्डिंग की। तो उसको पूरा रेनोवेट करके हम दे रहे हैं। और पूरा आप देख रहे हैं, पूरा जो डाइनिंग हॉल है वो काफ़ी स्पेशियस है, सोफा फिटेड है उसमें। ये आपका वॉशरूम है, वॉशरूम का जो गेट है आपका ड्राइंग रूम की तरफ भी है और आपका रूम की तरफ भी है। वॉशरूम में जितनी भी टोंटियाँ लगी हुई हैं, जो भी चीज़ ख़राब आपको दिख रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो सारी चीज़ें हम आपको चेंज करा के देंगे। गीज़र वगैरह सब चालू है, गीज़र चालू है, एसी चालू है, फैंस चालू है, फ्रिज चालू है, इन्वर्टर चालू है, सब चीज़ चालू अवस्था में है। तो ये पूरा हमारा एरिया है। जिस बजट में ये फ्लैट आ रहा है, उस बजट में मिल पाना बड़ा मुश्किल है। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है, 10x12 समथिंग का है। ये बेड लगा हुआ है और अलमीरा लगी हुई है। एज इट इज़ जो सामान आपको दिख रहा है वो सारा लगा मिलेगा आपको, और सारा सामान इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, सारी चीज़ें रनिंग में है आपका। सामने फ्रंट पर हमारा AC लगा हुआ है, उसको पूरा
रेनोवेट करके पूरा रिपेयर करके पूरा उसको सर्विस करके आपको मिलेगा। यहाँ से बालकनी विंडो है, बालकनी स्पेस भी है, इसमें बालकनी चाहे तो आप कवर करा सकते हैं। ये हमारा LED का कैबिनेट लगा हुआ है, इसका भी काम चल रहा है, इसको भी हम सारा नया पैनल लगा के दे रहे हैं आपको। ये बाथरूम का गेट है जो रूम के अंदर आता है। तो कहने का मतलब है कि पूरी जो यूनिट है हमारी 1BHK फ्लैट की विद सामान विद फर्निश, वो आपको पूरी कंप्लीट होके पूरा रेनोवेट होके हमारे हैंड से मिलेगा। अगर आपको समझ आ रहा है ये फ्लैट, तो ये फ्लैट आप नीचे दिए गए नंबर पे इमीडिएटली कॉल करके या फिर आप मैसेज भेज के बुकिंग आप करा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है, 1BHK फ्लैट में इतना स्पेस मिल पाना बहुत मुश्किल है। और सेकेंडली, अगर आप इसमें कोई लाइट भी ऑन नहीं रखते दिन में तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन से और रूम से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आती है बाहर की तरफ। अब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर का एरिया आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, पूरा पैसेज काफ़ी चौड़ा है। आप साइड में चाहे तो अपनी बाइक भी यहाँ पार्क कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी के मेन रोड पे जो आपकी सर्विस लाइन रोड है वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ से पूरा सोसाइटी का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी ओवरऑल सोसाइटी है। सामने छोटा सा पार्क है, जिस पार्क के अंदर टेम्पल बना हुआ है। तो काफ़ी एरिया आपके लिए फिट रहेगा अगर कोई अपने बजट में, इस बजट में प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है 1BHK फ्लैट, स्पेशली फॉर ग्राउंड फ्लोर फॉर ओल्ड पीपल, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये हमारे फ्लैट का फ्रंट एलिवेशन है, रूम से आपका बालकनी एरिया, आप बालकनी को पूरा कवर भी करा सकते हैं अगर ओपन नहीं कराना चाहते हैं सेफ्टी पर्पज से। तो वैसे काफ़ी सुंदर एरिया है, काफ़ी स्पेशियस एरिया है। तो ये पूरा ओवरऑल हमने आपको दिखाया अपने फ्लैट यूनिट की डिटेल में। तो अगर आप चाहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे इमीडिएटली रेडी टू मूव में, तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।